ये जापानी लालटेन बिल्कुल दिवाली के आकाश कंडील जैसी है। इसके बनाने के लिए आपको 2 लीटर की प्लास्टिक की बोतल, कार्डशीट, कैंची, गोंद आदि लगेंगे। सबसे पहले 2 लीटर की बोतल पे दोनों ओर एक एक रबर का छल्ला लगाएं। उसके बाद में बीच का इसका जो बेलनाकार हिस्सा है उसको काट करके अलग करें। बोतल का मुंह काट दें, उसका पेंदा अलग कर दें। अब बीच का बेलनाकार हिस्सा बच जाएगा और वो ये रहा, कितना सुंदर बेलन है। फिर एक मोटी कार्डशीट लें, उस पर 8 पंख बनाएं और उनको कटर से काटें और उनको थोड़ा सा ऊपर ऊपर की ओर उभारें और बीच में भी एक सुराख करें। यह है उसका निचला हिस्सा और यह है ऊपर वाला हिस्सा। उसके बाद में जो बैटरी के नीचे पेंदा लगा होता है धातु का, उसको अलग करें, उस पर गोंद लगाएं और कार्डशीट के केंद्र पे भी गोंद लगाएं और इस धातु के टुकड़े को आप कार्डशीट पे चिपका दें। ये ऊपर से उभरा होगा और नीचे की ओर थोड़ा सा इसके डेंट होगा, एक डिम्पल होगा। उसके बाद में कार्डशीट की पूरी परिधि पे आप गोंद लगाएं। और गोंद क्यों लगाएंगे? जिससे कि आप इस बेलन को परिधि पे कार्डशीट पे चिपका सकें। थोड़ा सा और गोंद लगाएं जिससे कोई भी लीकेज ना रहे, एकदम पुख्ती तरीके से वो चिपक जाए। अब आपका सिलेंडर तैयार हो गया। फिर एक बल्ब लें और बल्ब के ऊपर एक तार का आप एक हुक जैसा लगाएं और उसके ऊपर अपने सिलेंडर को टिका दें। सिलेंडर तेजी से घूमना चाहिए तार की नोक के ऊपर। अब जैसे ही आप बल्ब जलाएंगे, कुछ देर बाद में हवा गर्म होगी, गर्म हवा हल्की होती है इसलिए ऊपर को उठेगी और आपका सिलेंडर धीरे धीरे करके घूमेगा। आप उसको अच्छे चित्रों से सजा सकते हैं, तमाम जानवर चिपका सकते हैं। और उसके बाद में आप जब बल्ब को जलाएंगे तो ये पूरा चक्कर, पूरा आपका बेलन गोल गोल घूमेगा और जैसे कोई फिल्म चल रही है इस प्रकार की आपको अनुभूति होगी, एक मूवी चलने की अनुभूति होगी। इसके ऊपर आप एक बटर पेपर का एक और बेलनाकार सिलेंडर रख दें। अब देखिए सिलेंडर के भी नीचे छेद होंगे जिससे कि नीचे से ठंडी हवा आ सके। अब जो परछाई पड़ेगी तो एकदम मनमोहक फिल्म जैसा आपको दिखाई देगा।